ए तृतीय बोली रे बाबा बाइया कौन जगत को शिक्षा प्रदान करिसंती, कौन जगत को प्रेरणा प्रदान करिसंती, केमिति भगवान को पाइबा, केमिति भगवत उपलब्धि करि पारिबा, केमिति भगवान कर शरणागत हे पारिबा, ए जीवन को आमे केमिति पवित्र करि पारिबा, जन्म जीवन को सार्थक करि पारिबा, एही विषय रे अति सुंदर भाव रे बाबा बाइया तांकर तृतीय परिच्छेदर तृतीय बोली रे कहउचंती, कौन कहउचंती, अनित्य शरीर सुख को इच्छे जे मूढ़पणे जे मूढ़पणे विषय रे मग्न होइन अंते नरके गमे। गोविंद 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 जय राधे गोविंद, नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। साधु संगे थाई नित्य जे कथा मृत पियई, ब्रह्म पद स्वर्ग भोग को केबे इच्छई नाही। गोविंद 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 जय राधे गोविंद, नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। साधु पाद पद्म सेवन दियो देवाधि देव, दियो देवाधि देव, तांकर अधर अमृत पाई रहुए जीव। गुरु स्वामी अंतर्जामी हे प्रभु आनंद कंद, दुख हारी जगतपति हे जय सचिदानंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा बाइया तंकर बाइया गीतरे कहउचंती अनित्य शरीर सुख को इच्छे जे मूढ़पणे विषय रे मग्न होइन अंते नरके गमे। अनित्य शरीर सुख को इच्छे जे मूढ़पणे, जे तार मूढ़ता को ग्रहण करि एई जो अनित्य शरीर आमको मिलिछि, जो शरीर को मिथ्या बोली कुआ जाए, ये शरीर सुख को आमे मूढ़पण रे इच्छा करुचे टिके शरीर को सुख दवा, टिके दैहिक सुख पाइबा, किंतु प्रकृत रे ये शरीर ये ना या ना कर पे शरीर हिचंती ना, ये सरी सरी जीव बोली यार नाम होचंती शरीर। देह देह शब्द अर्थ कौन ना, दा दिने ना दिने दहन हब ता हुची देह, जे सरी सरी जाउची ता हुची शरीर। किंतु आमे समस्ते भाभी दूचे मोर वयस बढ़ी जाउची, मु काली 10 वर्षर थी आज 12 वर्षर है, मो वयस दिनक दिन बढ़ी बढ़ी जाउची, ना बरं वयस कमी कमी जाउची, जेतिकी परमायु थिबो सेपटु कमी कमी जाउची, एपटु बढ़ी बढ़ी हे जाउची। सबुतिरे वियोग अछि, आपण जो कोनोसी कर्म करंतु जो कोनोसी समय को देखंतु सबुतिरे वियोग अछि, जोग भी अछि आ वियोग भी अछि, जोग रे भी आमे शांति होबा आ वियोग रे भी आमे शांति होबा। विषय रे मग्न होइन अंते नरके गमे। बाबा लिखुचंती अनित्य शरीर सुख को इच्छा करी हे मूढ़ माने, तुम कौटी के जाऊ वैकुंठ को न जाए, तुम लक्ष्य स्थल न पहुँचे, तुम बरंग नर्क को जाऊ, नर्क पथर गामी हो जाऊ, नरक पथर गामी हो जाऊ, किंतु नर्क जंत्रणा को भोग न करने वैकुंठ को जाई स्वर्ग प्राप्ति हो भगवान करुणार कैबल्य को प्राप्त करने निम्ते कौन करने को पड़ो। बाबा लिखुचंती विषय रे मग्न होइन आमे माने समस्त तो विषय रे मग्न, तो जी विषय रे मग्न से केमिति भगवान को पाइब, जी विषय रे मग्न जी जंजाल भितरे मग्न से कदापि भगवत दर्शन करि पारिब नै। एतिपई भागवत रे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास गोटे सुंदर पद रे बुझे कहउचंती, विषया जहार लोचन हराए आत्मबुद्धि ज्ञान। गोविंद 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 हे गोविंद, बोले श्रीमद भागवत भगवान की। भागवत रे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास कहउचंती विषया जहार लोचन हराए आत्मबुद्धि ज्ञान, विषया जहार लोचन हीताए से तार आत्मबुद्धि ज्ञान को हराई बसीताए, किंतु से निजे जानपरे ना मो विषय मग्न होची, मोर कल्याण होची ना मोर मंगल होची ना अमंगल होची, से निजे जानपरि नथाय। ता माने विषयटा गोटे केते बड़ कथा आपण थरे चिंता करंतु, माने विषय भितरे जे मनुष्य पड़ी जाए से ता निजक भी भूली जाए, किंतु से विषय सुखरे पड़ी मनुष वैकुंठ को ना जाए स्वर्ग प्राप्ति न करी बरं नरक रे पहुँची जाए। किंतु ब्रह्मपद बा स्वर्ग भोग से केते बले करी थाए,
बाबा लिखुचंती साधु संगे थाय नित्य जे कथा मृत पियई। जो माने साधु संग करी नित्य कथा मृत को पान करती साधु सहित संग करवा साधु नाम दर्शन पुण्यम तीर्थभूता आदि साधव काले न फल तीर्थ सत्य साधु समागम। साधु संग सर्वशास्त्रे जय लबे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हय। संत हृदय नव नीत समाना ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु। साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन से पुण्य साधु संग मिले पुण्य तीर्थ को आश्रय कले। ये हुचंती साधुंकर महिमा आउ साधु संगर महिमा समस्त शास्त्र रे कुआ जाइछ। संतंकर संग साधुंकर संग समस्त प्रकार शास्त्र रे कुआ जाइछ। तुरा आमे साधुंकर संग करी आम जीवन को पवित्र करिबा भक्ति केमिति जन्मिबो ना साधु संग। साधु संग न करे भक्ति जन्मिबे नाही। भक्ति अनन्य लभ्य संगे न परिजायते साधु संग ही करिया को पड़िबो। कितु आमे दुष्टजनकर संग करि निजर क्षति करूचे कितु जो माने संतंकर संग करंती साधुंकर संग करंती सेई मानंकर जीवन ठीक साधु वळी हे जाय। किंतु साधुंक मुखरु कथामृतक पान करियाठु बड़ पुण्य बुद्धि ओ जगतरे किछि नताए। संतजनकर मुखरु भगवानकर कथा श्रवण करिवा तो कि एमिति संतजनकर मुखारविन्द्र भगवानकर कथा श्रुणी तरी जाइचंती। भागवतरे जहांकर कथा वर्णना हेचंती परीक्षित जी महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज पाखे बस प्रत्येक दिन भगवान कथावस्तु को श्रवण कर सी तरी जाइंट। तेणु भगवान कथा श्रीमद भागवत कथा आउ किए ना आत्मदेव नामधे जन ब्राह्मण थे पद्मपुराण में भागवत श्रवण महात्म कहुच्च आत्मदेव नामधे जन ब्राह्मण तर जे पत्नी थे से पत्नी नाम हूँ धुंदुली। आत्मदेव ब्राह्मण थे धनी थे सबूत सत्वे गोटे दुख थी पाखे सतान हो न। आत्मदेव दिने कहले अरे जीवन मोर वृथा कूल को बिहन किए रही मोर तो किए सतान होना कूल को बिहन किए रहा कही आत्मदेव जाऊँ तुंगभद्रा नदी कूल निजे आत्महुति देवाई आत्महत्या करने ए जीवन थी जिते न थे से आत्महत्या करने को गला बेलू से पटे दिए जे साधु जाऊँ। साधु कहले अरे भगवान कृपा कर शरीर टाक तुम्हें जाणीशुनी कि शरीर को केमी विसर्जन कर दौच कौन है थे तो तुम दुखटा मो पाखे टी जना। आत्मदेव कहले आज्ञा कौन कह मोर संतान सतति होना टी सतकथा कहले केमी मोर सतान हम केमी मो पत्नी अपुत्रिक पदर वंचित हो पुत्र सतान टी मिल आपन टी तार उपाय बतातु ना। साधु असी दे कहले पुत्र होनी बोली गोटे दुख कितु पुत्र हो सारापुर शहे गोटी दुख कौ स्कूल पाठ पढ़े पिला भविष्य बड़ हेल्ला मत मानव ना ना ता पत्नी कथा पड़ी मत भूली कौन हम तेणु देखु थे चिंता करूँ। बाबा बाया कहते कथामृतर कथा आ पद्मप्राण भी ठीक से कथा कहगला। आत्मदेव चिंता कले हाँ जे ठीक अच्छे कितु मु मो पु को एमती संस्कार देवी से निश्चित तो संस्कारित तो हो आम को भलरे भलरे मानव आम कथा भलरे से ग्रहण कर कितु मत कहतु मोर सतान टी केमी हे। साधु पाखे गोटे फल टीए थे ये सी फल को देदेले आते बड़े आत्मदेव से फल को नहीं दे पत्नी धुंदुली को कहले हे धुंदुली तुम्हें फलटी खाईदि कितु धुंदुली कहले आरे जदि फलटी खाई मो गर्भर जदि गोटे पिला रुए जदि शुकदेव भाया मो अवस्था हो जाए जमी शुकदेव तक माँ का गर्भ में बार वर्ष काल रही जदि से पिलाटी मो गर्भ में बार वर्ष काल रही है ना 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 ये फल मुझ जमा खाइबी कौन करी स्वामी को टे बुझेदे कहे हाउ ठीक अच्छे आज्ञा आउ स्वामी काली सका हौ मु गाधे सारे प्रार्थना कर सारे स्नान कर सारापर ताप ठाकुर को भोग लगे खाइबी आउ कौन ना हौ ठीक अच्छे प्रभु पाखे भोग लगे सारापुर प्रभु पाखे प्रसाद लगे सारापुर खाइबी कह बुझे आत्मदेव नामदेव ब्राह्मण को सका हला ये चिंता कले मु कौन करी बड़ भौणी गर्भर गोटे पिलाटीए थाए ये कहले हौ तू गोटे कम कर ते मुझे पैसा देदेवी तो गर्भर जो पिला थी आँख तू मत देदेबू तेत मुझे पैसा देदेवी ना हौ ठीक अच्छे से दिन पर्यंत सी अपेक्षा करके रे जेबले देखिले जे तांकर भौणींकर पुत्रटी जन्म होगले से पुत्र को सांगरे नहीं आसी जो फलटी थिला से फल को गोटे गाई के देदेले खाइबा को
जहाँ फल गाई मध्य संतानवती है आ गाई ठू जो पिलाटी जन्म होला तार नाम होती गोकर्ण आ धुंदुली कुठ जो पुत्र जन्म होला नाम होती धुंदुकारी। ये धुंदुकारी बहुत पाप कले बहुत अन्याय कले बहुत अत्याचार कले एत अत्याचार जो शेष बापा माँ अत्याचार असह्य हो निजे कूर डी पड़े आत्महत्या करदे आत्महत्यार दोष ताकू लगला जहाँ फल कि निजे आत्मदेव नामदेव ब्राह्मण एवं पत्नी धुंदुली पाप को बहन कर धुंदुकारी आ धुंदुकारी जितेबले पाप को बहन कर ना वैकुंठ को मिली ना नर्क को मिली सी वैकुंठ जाना कि नर्क को जाना तेल से कौन कर वैकुंठ मिललानी कि नर्क भी मिललानी प्रेतजनी जन्म मिलला कहले केमी प्रेतजन मुक्त हो दिने गोकर्ण पाखे जाए पहुँची गोकर्ण को डरइले कहले केमी प्रेतजन मुक्त हो मो भाई मत कह गोकर्ण कहले जदि साधु मुखर बिंदु तु भगवान कथामृत को श्रवण करू तेज़े तु निश्चित भाव में तरीजु कितु आजिका लोक मैंने साधु बाबा सन्यासी नाम शुणिले नाक टेकुं जड़े साधु रूप को धारण कर भ्रष्टाचार कम करे समस्त साधु से भाया से कथा नुहे साधु केमी जानव ये साधु बोली ये सन्त बोली ना साधु लक्षण ईश्वर भक्ति साधु प्रमुख लक्षण होती ईश्वर को भगवान को भक्ति करवा जानवुजे सी प्रकृत साधु आ खाली बेश धरीदे आम साधु जीवा बाबा जी जीवा से कथा नुहे नरसिंह मेहटा कही नौ कि वैष्णव जन तो तेन कहिए जो पीड़ परा ये जान रे अर्थ मनीष जितेबले पीड़ा थाए मनीष जितेबले दुख में थाए से दुख को मोचन करिवार उपाय जी बती दिंती सी तो होती संत सी तो होती साधु तेनालीर मुखार बिंदु आम कथा मृत्यु को पान करी कौन करवा ना स्वर्ग भोग करवा ब्रह्मपद को जीवा तो भक्त बंधु पाद अरबिंद तोहर ब्रह्मांड रे पुरी भगवान पदार बिंद रे विभु पदार बिंद रे ये ब्रह्मांड पुरी तेणु भगवान पाद अरबिंद पदार बिंद रे ये ब्रह्मांड अच्छा प्रभुंकर पाद भगवान पाद जहाँकि अष्टादश चिन्हयुक्त निर्वाण पद पंकज जो पाद पंकज मन को समर्पण करदे ये जीवन तांको पाद पद्मे अर्पित करदे आम मानक मनीष जीवन सार्थक होता है शास्त्र कही भगवान चरण से भक्ति हरि चरण जार श्रद्धा ताकू न लगे भव बाधा जो मानक भगवान पाद पद्मे श्रद्धा थाए जगत में भव बाधा लगे ना केवल भगवान चरण सेवा ही आम कर जीवन को आम सार्थक करवा पादार बिंद देखुना से पाद बाजी जा कौटी ना गोटे पत्र पत्र नारी रूप को धारण करते से पाद को धोई विज्ञानी कैवर्त कैवर्त विज्ञान कहले स्वतंत्र ज्ञान अधिकारी कैवर्त निजे सी कैवर्त होते ना भगवान चरण पाद को सी अति सहजर सुलभ सहित सहज सुलभ में भगवान पाद पद्म को सी धोई देते तेणु से विज्ञानी कैवर्त हो गले भगवान पाद पद्म को स्तुतिस्तव प्रार्थना करी देवता मैंने जहाँ चरणारविंद को स्तुतिस्तव प्रार्थना करुंट विज्ञानी कैवर्त कड़े सुंदर भाव में साधारण मनीष शरीर पाई सी भगवान पाद पद्म को धौत कर निजर जन्म जीवन को कृतार्थीकृत करमचरण सुखदायी भजमन रामचरण सुखदायी भगवान राम चरण आमको सदा सर्वदा सुख प्रदान करी भगवान पाद पद्म आमको सुख दे था शांति आउ आनंद तेणु बाबा के सुंदर भाव में बुझे कहते पाद अरबिंद तोहर ब्रह्मांड में पूरी जिते अच्छी साधवे तई से मो मछी ए ब्रह्मांड आपण पादारविंद पूरी अच्छी आ जिते सब साधव धनी लोक मान अच्छा समस्ते ए ब्रह्मांड में गोटे गोटे महुमाछी भाया कारण ब्रह्मांड माड़माड़ ब्रह्मांड में सब गोटे गोटे महुमाछी सदृश कितु मन मन गर्व कर मन मन अहंकार कर कौन करे जन महापुरुष गोटे सुंदर भजन मध्यम बुझे कहते हिसाब कला बेलू छाती हुए दुकु दुकु 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 जमकु कर जतर बढ़ी गलाणी 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 राति पाहांती
हाँतिया आसी पाहिबा को हेलाणी हाँतिया आसी पाहिबा को हेलाणी केते कथा कहु छुरे छाती फुलाई 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 बोले भक्तवत्सल भगवान के राति पहांती आसी पाहिबा को हेलाणी केते कथा कहु छाती फुलाई आमे केते कथा छाती फुले किरी कहजे कितु मनीष अहंकार रे गर्व रे मु मोर भाव रे वशीभूत होई भगवान को ठु दूरे जाउची बाबा एति पई लेखुचंती से साधु सेवा जे रो भई सुत दारा फुलाई निज देहे भाव न करे तोर महिमा गाई जे भगवान कर महिमा गान करे सी देह ज्ञान रो बाहर शरीर ज्ञान रो बाहर अर्थ से प्रभु को सब किछि काय मन वाक्य रे प्रदान करि दे थाए जनाऊचि पद्मपादे हे प्रभु दियो सुमति से ही साधु सेवा करण हे निर्मल मति से साधु सेवा करी ये मति मोर निर्मल हे जाऊ त भक्त बंधु इंद्रिय सकल शरीर अनर्थ को घटान्ति तुमे न रखिले रखिब केहु विचार चिंते गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज केही नाही भरोसा तुमे मो जीव धन न चाहि व्यभावे जे परी नाचिबि मुते सन गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद आहा तुम्भ नाम जे भरोसा गुरुदेव करिछि पुण्य भरोसा होइ किम्पा न बुझे केछि गोविंद 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 जय राधे गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद बोले भक्तवत्सल भगवान के बाबा भाई एकडे सुंदर भाव रे लिखुचंती जे इंद्रिय सकल शरीर अनर्थ को घटान्ति जदि अनर्थ आम शरीर भितर किए घटान्ति तले से माने हुचंती इंद्रिय माने आउ के नाही भरोसा तुमे मो जीव धन हे प्रभु आउ मोर काहा उपरे भरोसा नाही आपण हुचंती जीव धन आपण हुचंती आमर सब किछि तनो आउ का उपरे भरोसा रखिबा मो लाभ कोन पाइबि मोर किछि लाभ नाही बाबा लिखुचंती न चाहिबो भावे जेपरी नाचिबु मु तेसन आपण मते जेमिति न चाहिबे मु सेमिति नाचिबि आपण जेमिति कृपा करिबे मु सेमिति आपणकर काम कोइ करि चलिबे तनो आउ के नाही भरोसा ए जगत रे आमे माने समस्ते जण कोइ भरोसा करिबा से उचंती भगवान भगवत विश्वासी होई भगवान को भरोसा करि थरे देखंतु भगवान आपण माने को निश्चित भावरे उचित फल को प्रदान करिबे आमे भगवत विश्वासी होबा आउ भगवान को भरोसा करिबा कारण भागवत रे लेखा अछंती विश्वास बिना कर्म जेते गोविंद फल न फले कदाचिते गोविंद 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 पदुगलुचि मकरंद गोविंद आहा मूलटी अटई विश्वास गोविंद कहि जगन्नाथ दास गोविंद 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 हे गोविंद पदुगलुचि मकरंद हे गोविंद
बोले श्रीमद भागवत भगवान की भागवत रे लिखा छंती विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचित विश्वास बिना आम जावतीय प्रकार कर्म करुचे ये कर्म गुड़िक कदापि फलप्रद हम ना फल न फले कदाचित आदो ता आमक फलप्रद हम ना आई थे भगवान को विश्वास करश्चित भाव से विश्वास फल कौन सी पाई तेणु बाबा लिखुंट तुम्भ नाम भरोसा गुरुदेव करदि मुझ भरोसा कर गुरुदेव केवल आपण नाम भरोसा कर गुरुदेव भव सागर कारण तारण हे रवि नंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भी तमने गुरुदेव दया कर दीन जने हे गुरुदेव आपण नाम भरोसा करभरसा हुए कि न बुझे किसी केवे भी मुझको अभरसा कर अविश्वास करी थे आपण को समर्पित ही मानने मो भरोसा विश्वास आपण पादपदम अर्पित व समर्पित तेणु ये हूँ बायागीतार तृतीय परिच्छेदर तृतीय बलीर कथा तेणु ये बायागीतार तृतीय परिच्छेदर तृतीय बलीर कथावस्तु को विश्राम दूचु परिशेष भगवान दुईबार नाम संकीर्तन कर कथावस्तु को विश्राम दे प्रेम से भगवान दुईबार नाम संकीर्तन तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया भक्तवत्सल भगवान की जय।